समस्या यह है सर कि जब मायावती की सरकार थी तब हम लोग को यह आवास मिला था, और ये 3 साल से बन के खड़ी है, हम लोग को कुछ मिल नहीं रहा, हम लोग बाहर मजबूर हैं, बाहर पड़े हैं। और सर यहाँ इतनी गंदगी है, ना लाइट है, हम लोग पानी बहुत दूर से भर भर के लाते हैं बच्चों को लेकर, ये परेशानी है सर हमारे लोग को, कोई सुन नहीं रहा हम लोग का, हम लोग बाहर ठंडी में परेशान है। हमारे राय का ठिकाना नहीं, ना 4 लड़का खवैया है, हमारे तकलीफ है, जगह जमीन करी कि रही कि खाए का करी कि पहरे का करी। हाँ नहीं साहब, हमका सबका नहीं ना मिला, बड़े बड़े का सुनवाई, हमारे लोग का गरीबन का सुनवाई नहीं ना। हम तो बाहर बाहर पड़े हैं, यहाँ कलोनी में आए के हैं। मानवर कांशीराम जो आवास बनाए गए थे उनमें अभी बिजली की समस्या है और वहाँ पर पानी की है, तो उसके लिए जो है बजट अभी नहीं आया है। वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं देकर तब हम उनमें टीम बना दी आवंटन के लिए, तब उनमें हम शिफ्टिंग और आवंटन के बाद टीम जो लोग लाभार्थी होंगे उनको शिफ्ट करेंगे।